मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बेटा लाल, मेहता साहब, आप दोनों यहाँ पर? मेरा घर पे कोई मीटिंग रखा है क्या? लेकिन मेरे को बताया नहीं, आत्माराम भी कुछ बोला नहीं। नहीं नहीं, मीटिंग नहीं है यहाँ पे, वो तो हम लोग बबीता जी को थैंक यू बोलने आए। बबीता को क्यों? वो बबीता जी की एक दोस्त है, निशा जी। हाँ, वो बताया मेरे को बबीता ने। बबीता ने तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा करवाया, नहीं? हाँ, इसीलिए वो थैंक यू बोलना है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपको भी बबीता को थैंक यू बोलना है? नहीं, मुझे कोई थैंक यू नहीं बोला, मैं तो बस ऐसे ही जेठालाल के साथ आ गया। अरे तो आ गया तो अच्छा किया ना। आइए आइए, वांगो वांगो, आइए, बैठो 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 बैठो। बबीता बबीता। अरे जेठा जी, मेहता साहब, आप लोग? ये जेठालाल तुमको थैंक यू बोलने के लिए आया है। जेठा जी, मैंने आपको पहले ही कहा ना, नो थैंक यू, हाँ प्लीज। तुमको मालूम है जेठालाल थैंक यू बोलने के लिए क्यों आया है? हाँ, उन्होंने मुझे सुबह फोन किया था ना थैंक यू बोलने के लिए। ओ, तो जेठालाल जब फोन पर बोल दिया था, फिर भी घर पर आ गया थैंक यू बोलने के लिए? ओ, फोन पे मेरा थैंक यू बबीता जी ने लिया नहीं ना, इसलिए। ओहो, अरे तो बबीता, तुमको फोन पर थैंक यू ले लेना चाहिए था ना। अभी देखो ना, जेठालाल को थैंक यू बोलने के लिए घर तक आना पड़ा। नहीं नहीं अय्यर भाई, अगर वो फोन पे मेरा थैंक यू ले भी लेते तो भी मैं घर पे तो आता ही। क्यों? ये मिठाई देने, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। जीजा जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए लीजिए, बहुत मस्त पेड़े। आपको कैसे मालूम? आपने इसमें से टेस्ट किया है क्या? नहीं नहीं, जेठालाल एक बॉक्स मेरे लिए भी लेकर आया था। अच्छा, मेहता साहब ने तुम्हारा क्या फायदा करवाया? अरे नहीं, फायदा क्या यार भाई, होता क्या है कि मैं बबीता जी के लिए, मतलब आपके लिए पेड़े ले रहा था, तो मैं तो सबकी याद आ गई, तो उनके लिए भी एक बॉक्स ले लिया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो मिलते हैं थोड़ा जॉब पर। मिलते हैं मिलते हैं। क्या हुआ, कुछ बोलना है? हाँ, जेठालाल को बोलना है। बोलो जेठालाल। हाँ। ओ अच्छा, विकी भाई आज आए थे दुकान, उनका जो भी ऑर्डर था वो सब मैंने डिलीवरी करवा दिया, तो पूरे पेमेंट का चेक देने आए थे। अरे वाह, क्या बात है, दस वेरी नाइस। लेकिन चेक नवरात्रि के बाद के डेट का है। ओ अच्छा अच्छा, तो थोड़ा टेंशन हो रहा था मेहता साहब को कि नवरात्रि के बाद की डेट का चेक दिया है तो पास होगा कि नहीं। लेकिन मेहता साहब, आपको क्यों टेंशन हो रहा था? मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा था। अभी आपने ही बोला ना, चेक नवरात्रि के बाद के डेट का दिया है। तुम नहीं बोले इसलिए मैंने बोला। अच्छा, मतलब तुमको डाउट है कि वीके का चेक बाउंस हो जाएगा? हाँ। मुझे नहीं, जेठालाल। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में डाउट था ही नहीं। मुझे क्यों डाउट होगा? डील उसने तुम्हारे साथ की है, चेक उसने तुम्हें दिया है, मुझे क्यों डाउट होगा? हाँ, तो
मेरे दिमाग में तो पहले से डाउट था ही नहीं बबीता जी। पता आपने क्या 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 मैंने क्या क्या? मेहता साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जेठालाल को था। जेठा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, निशा और विकी को मैं सालों से जानती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। पेमेंट में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? I mean, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। हाँ हाँ आप इतना विश्वास से कह रहे हैं तो सवाल ही नहीं है। कोई टेंशन की बात ही नहीं है मेहता साहब। आप जो भी आपके दिमाग में डाउट है एकदम निकाल दीजिए। यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारे सब डाउट निकालता हूँ। उन्होंने नवरात्रि के बाद के डेट का चेक दिया है ना, तो पेमेंट मिल ही जाएगा, डोंट वरी। हाँ जड़ालाल और एक बात, तो बबीता ने बोल दिया कि पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर पेमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बबीता को ब्लेम मत करना। क्या है बबीता ने तो गुड फेथ में तुमको विकी से मिलवाया था। अरे अभी वो लोग टाइम पे या मान लो कुछ पेमेंट का गड़बड़ हुआ तो उसमें बबीता जी का क्या कसूर है? बराबर ना मेहता साहब? बराबर है, चलो चलते हैं। चलो ओके बबीता जी, ओके यार भाई, ओके बाय 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 बाय। हाँ ये पेड़े खाना बहुत बढ़िया है ना मेहता साहब? बहुत बढ़िया। ओके गुड नाइट, गुड नाइट। ओके।